सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ब्लॉगर कोकी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फैमिली, मैं भी अभी बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हमारे जो छत का काम है समथिंग उसको स्टार्ट हुए, 1 वीक हो गया है। तो अभी कुछ काम तो हो चुका है फाइनल, जो कि आप लोगों को मैं दिखा भी चुकी हूँ और एक बार फिर से दिखा दूंगी। अभी हम छत पर ही जा रहे हैं। तो फैमिली, ये काम तो अभी हो गया है, लेकिन कुछ वर्क अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। कुछ नहीं कह सकते, उसमें भी बहुत सारा टाइम जाने वाला है। वो इसलिए क्योंकि अब जो अगला काम है वो है लैंटर का। तो लैंटर में तो आप लोग फैमिली जानते ही हैं, पहले से उसकी प्रिपरेशन करनी होती है, इतनी सारी सेटरिंग का सामान वगैरह आता है। तो बहुत सारा पहले उसकी तैयारियां करते हैं, फिर तब जाके लैंटर मतलब छत पे डालते हैं ये लोग। तो अभी आज तो ये लोग आए नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आप लोगों को हमारे जो पिजन्स हैं उनकी भी अपडेट दे देती हूँ, और साथ में जो कुछ भी चल रहा है सेटअप के अंदर, बाहर सेटअप से सब कुछ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो चलिए जल्दी से चलते हैं छत पर। और अभी शोर आ रहा होगा आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मेरे घर पर ही नहीं, दो घर यहाँ पर और हैं जिनमें काम चल रहा है। तो पत्थर का भी काम चल रहा है और टाइल्स वगैरह, पता नहीं काफ़ी सारा काम है जो कि इन दो घरों में भी चल रहा है। तो उसकी वजह से शोर आता है मेरी वीडियोज़ में। बट फैमिली, अगर मैं ये सब देखूंगी कि वहाँ से शोर आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, तो मेरी वीडियोज़ बाय गॉड बननी नहीं है। तो इस सब को इग्नोर करना होगा। तो अभी कुछ टाइम के लिए आप लोग भी मैनेज कर लीजिए, उसके बाद से फिर सब कुछ अच्छे से सेटल हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ऊपर चलते हैं छत पे। बट तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को किसी से मिलवा देती हूँ। तो ये देखिए फैमिली, हमारे मेलो को, जो कि अभी इतना बड़ा हो गया है। इससे पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था, तब मेलो छोटा था, लेकिन अभी आप लोग इसको देख सकते हैं, हमारा जो मेलो है वो इतना बड़ा हो गया है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से खोल के और आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए मेलो का कलर भी अभी कुछ हद तक क्लियर हो गया है, बाकी अभी ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो फैमिली, ये वाला जो केज है, ये केज रखा हुआ था, इसको मैंने अच्छे से क्लीन करके और मेलो को अभी इसके अंदर शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि इससे पहले जो ये जिस केज के अंदर था वो केज छोटा था इसके लिए, तो मतलब परेशान होता रहता था। मैंने इसको देखा तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको इसके अंदर शिफ्ट कर दूँ। तो अभी मेलो की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे ऊपर है और मैं अच्छे से इसकी केयर कर रही हूँ, और आई होप जल्दी जल्दी मेलो और बड़ा हो जाएगा। मेलो, ये देखो इसको मेलो। फैमिली, मेलो का बता देती हूँ, अभी मेलो सेल्फ फीड पर आ गया है, थोड़ा थोड़ा ये खुद से फीड लेने लगा है। तो मैं अपने हैंड में ही फीड ले लेती हूँ और इसको अपने पास बिठा के और तब मैं इसको फीड करा देती हूँ। अभी देखिए कितना ज़्यादा शोर कर रहा है, इसको बंद कर देते हैं अभी यहाँ से। तो चलिए अब फटाफट से चलते हैं ऊपर और ऊपर भी देख लेते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं। तो फैमिली, यहाँ पर देखिए ये वाली जो दीवार है ये हमारी अभी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ से ये भी पूरा खुला हुआ है। कुछ सामान इन्होंने यहाँ पर ला कर ये रख दिया है अभी, और बाकी अब ये आगे स्टार्ट करेंगे इसको। तो अभी कुछ टाइम तो वैसे भी प्रॉब्लम है नहीं है, क्योंकि इसको अभी टाइम लगेगा काम फिनिश होने में पूरा का पूरा। तो ये अभी जब से पूरा का पूरा यहाँ से ये खुला है ना, तब से बहुत ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा डस्ट मतलब घर में जाती है कि मतलब छत से सीधा नीचे जाओ तब इतनी मिट्टी जाती है, और वो वैसे जो उड़ के धूल मतलब हवा से जो जाती है वो तो जाती है, तो पूरा दिन बस ऐसा ही रहता है। तो चलिए अपना चलते हैं अपने पिजन्स की तरफ, वहीं बैठे हुए हैं मेरे सभी शैतान। फैमिली, यहाँ पर ना देखिए पूरा का पूरा जो ये यहाँ पर इन लोगों ने बदरपुर डाला हुआ है ये, तो इससे ये यहाँ से पूरा रास्ता बंद है। तो नाइट में कल क्या हो गया था मैं क्या ही बताऊँ, कि यहाँ पे देखिए पाइप पड़ा हुआ है, तो इन लोगों ने ये पाइप शायद ही वर्कर्स वगैरह से या तो फिर मेरे घर के किसी फैमिली मेम्बर से ये इन्होंने मतलब पाइप से, जैसे कि जब ये सीमेंट वगैरह जो होता है इसको मतलब बाद में जब ये सूख जाता है तो इसकी हम लोग तराई वराई जो भी होती है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, तो तराई करते हैं, तो वही इन्होंने कुछ ऐसा किया होगा। तो ये पाइप जो था वो खुला रह गया रात में और पूरी छत पे सब में पानी पानी हो गया।
तो इतना ज़्यादा बस क्या ही बताऊँ, रात में वो पानी यहाँ से निकालना इतना ज़्यादा मतलब भारी हो गया कि क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे एक तरह से स्विमिंग पूल बन गया था, बहुत अच्छे से मतलब पैर भी भीग रहे थे यहाँ पर जब मैंने छत पे आके देखा रात में। तो फिर यहाँ से पूरी की पूरी क्लीनिंग की और कुछ सामान जो कि यहाँ पर ये फैला हुआ था तो ये सब यहाँ पर नाइट में रखना, मतलब नाइट में यहाँ पर ये यहाँ से हटाकर और यहाँ रखना पड़ा, तभी ये पानी के लिए फिर रास्ता बनाया यहाँ पर, ये देखिए ये रास्ता बनाया, तब जाके वहाँ पर पानी थोड़ा थोड़ा मतलब यहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ। तो ये सब कुछ होता रहता है। और मशीन बंद हो गई है अभी कुछ टाइम के लिए, अच्छी बात है चलो। और ये बेचारे देखो मेरे इतने ज़्यादा परेशान हो रखे हैं कबूतर कि ये देखो, क्योंकि यहाँ भी ये सब में फैला हुआ है, फीड भी बेचारे बड़ी मुश्किल से लेते हैं, तो मैं इनके लिए ट्रे में यहाँ पर फीड रख देती हूँ, तब ये यहाँ से फीड ले लेते हैं। और अभी मैं आप लोगों को कुछ दिखाऊंगी भी जो कि मैंने किया है कल नाइट में ही किया था, वैसे कुछ कुछ मतलब इतनी ज़्यादा भी नाइट नहीं थी, इतनी ज़्यादा रात भी नहीं हुई थी जब मैंने किया था। तो ये देखिए फैमिली हमारे कबूतरों को, सभी के सभी जो कि ऊपर रहते हैं, ये देखिए हमारे ग्रेटी को, इसकी फीमेल फैमिली अभी तक लौट कर नहीं आई है और बेचारा अकेला रह रहा है अभी तब से, और हैरू यहाँ पर बैठा हुआ है साथ ही में, ये देखिए वो पंजाबी कबूतर का जो बच्चा है ये, और साथ में ये हमारी फीमेल जो कि जीनू की फीमेल है, तो ये वाला पेयर अभी हमारा लग चुका है, और आई थिंक जीनू एग के ऊपर बैठा हुआ है अभी, एग को भी देखना मुश्किल होगा फैमिली क्योंकि ये एग के ऊपर है और वो थोड़ा मतलब दूरी पर है, तो जब ये यहाँ से हटेगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि जब हमने इसे पहले चेक किया था तो यहाँ पर एक ही एग था, और शायद आई होप कि अभी यहाँ पर दो एग हो, तो बाद में देखेंगे। और नीचे देख लेते हैं एक बार, इसको खोलते हैं। तो यही दिखा रही थी फैमिली मैं आप लोगों को, ये यहाँ पर मैंने क्लीनिंग की है, जैसा कि मैंने बताया रात यहाँ पर जब इतना ज्यादा पानी हो गया था तो यहाँ से क्लीनिंग करते टाइम ही यहाँ पर सब मतलब एकदम से ऐसे गीला गीला यहाँ भी हो गया था, तो ये फिर मैंने पूरा यहाँ से क्लीन कर दिया इसको। तो अभी आप लोग देखिए पहले से कितनी ज़्यादा सफाई कर दी है मैंने यहाँ, और साथ ही में देखिए इनके लिए ऐसे मैं ट्रे में इनको फीड दे देती हूँ, तो ये वाला जो डोर है इसको ओपन कर देती हूँ और तब मैं ये फीड इनके लिए ऐसे रख देती हूँ, यहाँ से ये सभी फीड ले लेते हैं, और जब ये ले लेते हैं तो उसके बाद फिर इनको यहाँ पर कभी कभी अलग भी दे देती हूँ, और ज़्यादा एक्स्ट्रा फीड होती है तो फिर ये यहाँ पर रख देती हूँ। और अब देख लेते हैं एक बार, एक नज़र डाल लेते हैं अपने सुल्तान एंड रावी पर। तो फैमिली ये देखिए सुल्तान के नीचे उसका बच्चा जो कि एग से बाहर आ चुका है, आई थिंक मुझे देखना होगा थोड़ा सा पास में जाके, वैसे दोनों ही बहुत ज़्यादा चालाक हैं। ये देखिए फैमिली बच्चा दिखाई दे रहा होगा आपको एक, और देखिए सुल्तान कितना ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, उसको लग रहा है पता नहीं मैं उस बच्चे को कहीं परेशान ना करूँ, तो जब ये नहीं होगा ना यहाँ पर तब दिखाऊंगी आप लोगों को ये बच्चा। वैसे एक ही इस बार इसने एक ही एग रखा है रावी ने, और एक ही बच्चा बाहर निकल कर आया है, दूसरा तो पता नहीं, मैं तो सोच भी रही थी शायद रखेगी, मैंने आप लोगों से बोला भी था पर इसने नहीं रखा फिर। और ये जो दूसरा वाला हमारा पेयर है ये भी अभी एग के ऊपर ही है, इनके बच्चे अभी तक नहीं निकले एग से। और फैमिली मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि इसका एक एग, ये वाली जो फीमेल है इसका एक एग इतना छोटा क्यों है, और एक का साइज मतलब नॉर्मल है, जैसा कि नॉर्मली कबूतरों के अंडों का साइज होता है, एक मतलब नॉर्मल है और एक बहुत छोटा है, तो प्लीज आज जरूर बता दीजिएगा, वरना मुझे उसी की चिंता रहेगी कि पता नहीं वो एग फर्टाइल भी होगा आगे या नहीं। और ये देखो इसका बच्चा थोड़ा सा हटा था, देखो फिर से दबा लिया इसने, ये देखो ये रहा, देखते हैं क्या कलर निकल कर आएगा जब बड़ा हो जाएगा, पर अच्छे से बड़ा हो जाए बस जल्दी से, क्योंकि बहुत टाइम बाद इसका एक बच्चा निकल के आया अभी। और ये हमारी बैठी हुई है सिम्बी, ये वैसे कोई भी कम नहीं है, सबके सब एक ही बराबर है, सबको गुस्सा ही आता रहता है हर टाइम। और ये यहाँ पर बैठा हुआ है इसको भी हटाने की कोशिश करती हूँ एक बार, अगर हट जाए तो देखो अभी अंदर चला गया है, तब तक हम लोग देख लेते हैं। गाइज इसके मैंने आप लोगों को इससे पहले जो मतलब वीडियो डाली थी कुछ टाइम पहले, तब मैंने आप लोगों को एग दिखाए थे कि इन्होंने लॉफ्ट में इस बार एग नहीं रखे हैं सिम्बी ने, बाहर रखे हैं। तो ये एक छोटा सा नेस्ट मैंने यहाँ पर बना दिया था, इन्होंने नहीं बनाया, मैंने बनाया, कभी ये लोग आपस में फाइट वगैरह करें और इनको मतलब एग्स को
तोड़ ना दे, तो इस वजह से ये मैंने बना दिया था यहाँ पर। तो अभी देखिए छोटे छोटे दोनों नन्हे मुन्ने से ये बच्चे निकल कर आ गए हैं एग से, और कितने ज्यादा प्यारे से हैं। बस इस बार ये दोनों अच्छे से बड़े हो जाएं, क्योंकि इससे पहले जो इसके दोनों बच्चे निकले थे इसने उनको जब वो छोटे थे तभी से फीड कराना बंद कर दिया था, तो बेचारे बस ऐसे ही रह गए। एक तो डेथ ही कर गया और दूसरा मैलो को आप लोग जानते हैं, उसकी मैं अच्छे से केयर कर ही रही हूँ, पर इस बार ये इनको अच्छे से पालें बस। ये देखिए बेबी, तो वैसे दोनों ठीक लग रहे हैं अभी और आगे पता चलेगी। वो देखो वहां पर चला गया है बाहर, अभी अंदर बैठा हुआ था और वो अंदर आकर बैठ गया है। वो देखिए इसका पता नहीं चल रहा फैमिली की फीमेल है या मेल है, और अभी मुझे नहीं पता कि क्या है, मेल है या फीमेल है। जैसे पता चलेगा तब आप लोगों को बताऊंगी। और इसको भी बंद कर देते हैं, क्योंकि फैमिली मंकीज का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आ जाते हैं और फिर इनके एग्स वगैरह को ख़राब ना कर दें। क्योंकि जीनू भी अभी एग के ऊपर बैठा हुआ है तो ये परेशान करते हैं, बंदर आ जाते हैं। इसको भी वहाँ से हटाना होगा तब ये बंद होगा। तो बस अभी फैमिली ये काम जल्दी से कंप्लीट हो जाए, तब कहीं जाकर मुझे और इन मेरे सभी कबूतरों को तब जाके चैन मिलेगा, तभी अच्छे से रहेंगे और अच्छे से उड़ेंगे, फीड लेंगे, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जल्दी से बस अभी तो यही कर सकते हैं, मतलब जैसे अभी तक करते आए, तो अभी कुछ दिन और ऐसे ही करना पड़ेगा और उसके बाद तो फिर सब कुछ हो जाएगा जल्दी से, फिर देखेंगे कैसे कैसे किसको कहाँ कैसे सेट करना है। तो ठीक है फैमिली, ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल ब्लॉगर कोकी को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कल मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।